नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कोसी स्टडी यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में। दोस्तों, बिहार बीएड डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2020 को टारगेट करने के लिए हिस्ट्री से दूसरा वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो वन लाइनर क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा नोट्स है, केवल और केवल टॉप क्वेश्चन को शामिल किया गया है। तो इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए, काफ़ी अच्छा नोट्स है, आप इसका पीडीएफ टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा, आप वहाँ पर डाल दिए हैं। तो हमारे साथ अंत तक बन जाइए इस वीडियो में। 10 से 15 मिनट के इस वीडियो में आपको 10 से 15 ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन मिलेंगे जो आपके एग्जामिनेशन की दृष्टिकोण से काफ़ी हेल्पफुल है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, यदि आप हमारे नए साथी हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ घंटी को दबाने के बाद ऑल पर जरूर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपको दो काम और करना है, वीडियो को लाइक करना है, इस वीडियो को एक शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में स्वदेशी आंदोलन तक पहुंच गए थे और यहाँ पर देखिए, जब लॉर्ड कर्जन द्वारा, यहाँ पर देख लीजिए, लॉर्ड कर्जन द्वारा 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के निर्णय लिया गया, तो 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हो गई इस बंगाल विभाजन के विरोध में। आगे बढ़ते हैं, स्वदेशी आंदोलन के समय ही रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अमार सोनार नामक बंगला गीत गाया था। तो दोस्तों, ये जो है बार बार पूछा जाता है कि स्वदेशी आंदोलन के समय रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कौन सा गीत लिखा या गाया था, तो अमार सोनार बंगला नामक गीत जो है गाया था। इसके बाद जो है, यह गीत वर्तमान में अभी बांग्लादेश की राष्ट्रीय गीत है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया था, मतलब कि लागू कर दिया गया था। 20 जुलाई 1905 को केवल घोषणा हुआ था, उसके बाद जो है 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को पूरे बंगाल में लागू कर दिया गया बंगाल विभाजन को। इस दिन जो है पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, आप इसे नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद कांग्रेस के 1907 ईस्वी में जो सूरत अधिवेशन हुआ था, उसमें नरम दल के रास बिहारी घोष चुनाव जीत गए थे और तब तक में कांग्रेस भी पार्टी भी जो है दो भाग में बंट गया था, नरम दल और गरम दल। तो रास बिहारी घोष चुनाव जीते थे नरम दल से। उसके बाद उग्रवादी दल जो थे उनके उनके जो है नेता तिलक जी, और ये पराजित हो गए थे। जैसे ही पराजित हुआ तो यहाँ से जो है कांग्रेस में दो दल, नरम दल जिसे कहा जाता है उदारवादी काल, और गरम दल जिसे उग्रवादी काल कहा जाता है, उग्रवादी दल कहा जाता है। उसके बाद जो है तिलक को निकाल दिया गया कांग्रेस से, पार्टी से, और यहाँ पर देखिए तिलक को इस कांग्रेस अधिवेशन के बाद कांग्रेस पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, और साथ ही साथ 1908 ईस्वी में तिलक जी को 6 वर्षों के लिए जेल भी भेज दिया गया। वे पहले कांग्रेस नेता थे तिलक जी, जिन्होंने देश के लिए कई बार जेल की यात्रा भी की। महाराष्ट्र में कांग्रेस, महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन का श्रेय की बात करें तो तिलक जी को ही जाता है, और तिलक द्वारा जो है केसरी पत्रिका का संपादन किया गया था तो इस पत्रिका को जाता है। इसके बाद महाराष्ट्र में महत्वपूर्ण क्रांतिकारी पत्र काल का संपादन किसने किया था, परान जफे ने किया था, तो ऐसा भी पूछा जा सकता है, तो इस पॉइंट को भी आप नोट कीजिए। उसके बाद हुआ क्या, नया खेल तो यहाँ से शुरू हुआ। मोहम्मद, ये जो है मुस्लिम नेता सर सैयद अहमद खां, भारत का विभाजन जो हुआ इसी के वजह से हुआ, मेन जड़ यही है। आज भी जो है इंडिया में हिंदू मुस्लिम अभी भी हो रहा है, तो वो भी इसी का देन है। अब देखिए दोस्तों, मुसलमानों को पृथक निर्वाचन एवं विभिन्न सेवाओं में उचित प्रतिनिधित्व के लिए उत्साया। अब देखिए, जैसे ही नरम दल गरम दल में कांग्रेस पार्टी बंट गया तो वो जो है इसका जो है फायदा उठाया कौन, सर सैयद अहमद खान, इन्होंने फायदा उठाया और इन्होंने कहा कि मुसलमान को अलग निर्वाचन जो है अधिकार मिलना चाहिए, पृथक निर्वाचन का अधिकार मिलना चाहिए, इसके लिए उकसाया। उसके बाद हुआ क्या कि लॉर्ड मिंटो गवर्नर थे, इन्होंने क्या किया, इसका समर्थन कर दिया, समर्थन किया, सभी जो है मुसलमान अब लॉर्ड मिंटो के समर्थन में आ गए। हुआ क्या, परिणाम स्वरूप 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में
ढाका में अंग्रेज समर्थक मुसलमान जो भी थे उस समय नवाब कौन थे, वकार उल मुल्क, और इसकी अध्यक्षता में मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी गई। जैसे ही मुस्लिम लीग की स्थापना हुई अब होने लगा भारत पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान। मौका का फ़ायदा खूब उठाया यहाँ पर ये, और गलत फ़ायदा आज जो है हिंदू मुस्लिम उठा रहे हैं, मतलब कि झेल रहे हैं। गलत फ़ायदा मतलब कि फ़ायदा तो नहीं कहा जाए, गलत सोच से, गलत कह सकते हैं मंशा के लिए जो है इन्होंने दो भाग में बांट दिया भारत पाकिस्तान को। इसके बाद देखिए भारत सचिव मार्ले, भारत सचिव कौन थे, मार्ले थे उस समय, और मिंटो क्या थे, मिंटो गवर्नर थे, ये जो है क्या कहते हैं गवर्नर थे, हाँ मार्ले जो है सचिव थे, मिंटो जो है गवर्नर थे। इन दोनों के विचार से 1909 ईस्वी में एक अधिनियम लाया गया, और इस मिलन को ही, अधिनियम को ही मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। उसके बाद हुआ क्या, इस एक्ट के द्वारा केंद्रीय एवं प्रांतीय धारा सभाओं की सदस्यता की संख्या और उनके अधिकारों में भी वृद्धि की गई। फलस्वरूप हुआ क्या, हिंदू और मुसलमानों के लिए अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था हो गई। हिंदू मुस्लिम यहीं से शुरू हो गया था। अब देखिए उग्रवादियों के गतिविधियों के दमन हेतु ब्रिटिश सरकार ने 1911 ईस्वी में राजद्रोह सभा का अधिनियम पारित किया। अब जैसे ही राजद्रोह सभा का अधिनियम पारित किया अब हुआ क्या, इसके तहत लाला लाजपत राय, अजीत सिंह एवं इसके साथ अन्य क्रांतिकारी नेता को पकड़ के जेल में बंद कर दिया गया। मेन जर वही था। इसके बाद क्या हुआ, लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 ईस्वी में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया। पूछा जाता है लॉर्ड हार्डिंग के समय 1911 में कहां पर भव्य दरबार का आयोजन किया गया था, तो दिल्ली में क्या किया था 1911 में, जिसमें इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम और इसकी पत्नी महारानी मेरी उपस्थित हुई थी, और इस दरबार में जो है चार बड़ा फैसला लिया गया। पहला फैसला क्या था दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, बंगाल विभाजन को रद्द किया गया 1911 ईस्वी में, और दूसरा था बंगाल भाषा, बंगाल को जो है भाषा के आधार पर अलग प्रांत की स्थापना कर दी गई, बंगाल प्रांत, और तीसरा क्या था, एक अलग प्रांत बना दिया बिहार जिसमें उड़ीसा सम्मिलित था, बिहार को अलग कर दिया। चौथा क्या था बदलाव, भारत की राजधानी दिल्ली कोलकाता से स्थानांतरित कर दिया दिल्ली। तो ये चार बहुत बड़ा बदलाव हुआ, कब, दिल्ली भव्य दरबार आयोजन 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के समय जो हुआ, और काफ़ी ये जो दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं इस पॉइंट से नोट कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब दोस्तों आपका अगला पॉइंट है, सभी को नोट करते चलिएगा, 1 नवंबर 1913 ईस्वी को संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित सैन फ्रांसिस्को है, उस नगर में पंजाब के क्रांतिकारी नेता कौन थे, हरदिया लाल। तो लाला हरदिया लाल कहाँ के थे, पंजाब के थे। इन्होंने अमेरिका में उसके बाद और भी क्रांतिकारी नेता थे, उस जैसे कि हो गया रामचंद्र हो गया, उसके बाद बरकतुल्ला के सहयोग से गदर दल का स्थापना किया। तो दोस्तों 1913 ईस्वी में 1 नवंबर 1913 ईस्वी को गदर दल का स्थापना हुआ, गदर पार्टी का स्थापना हुआ, मेन नेता कौन थे, लाला हरदिया लाल। आगे है, प्रथम विश्व युद्ध के समय लाला हरदिया लाल ने जर्मनी के बर्लिन में भारतीय स्वतंत्रता समिति का गठन किया। बार बार दोस्तों पूछा जाता है भारतीय स्वतंत्रता समिति का गठन किसने और कहां पर किया, कब किया, तो ये हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध 1914 या 13 है, उसके बाद लाला हरदिया, तो इस तरह से पूछा जाता है, तो ध्यान में रखना है आपको भारतीय स्वतंत्रता समिति का गठन लाला हरदिया लाल के द्वारा किया गया। आगे हैं दोस्तों 1916 ईस्वी में लखनऊ में क्या हुआ, फिर से लीग यानी कि कांग्रेस पार्टी और लीग के मध्य समझौता हुआ, यानी कि कांग्रेस पार्टी दो भाग में बट गया था, मुस्लिम लीग एक कांग्रेस पार्टी, तो नरम दल गरम दल नेता क्या हुए, तब एक मंच पर आया। तो भारत का जो है कह सकते हैं यह जो है एक बहुत ही बड़ा खुशहाल दिन रहा कि जिसमें मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय ये जो है कांग्रेस पार्टी एक मंच पर आया, और इस मंच को कहा जाता है लखनऊ पैक्ट।
लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें हुआ क्या, कांग्रेस तथा लीग ने एक संयुक्त समिति बना करके एक योजना तैयार किया। इस योजना को कांग्रेस लीग योजना सम्मिलित रूप से कहा जाता है। इस समझौते में मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व जो थी उसको मान लिया गया, मांग को मान लिया गया। उसके साथ ही इस अधिवेशन में तिलक को आमंत्रित किया गया, उग्रवादियों को कांग्रेस में शामिल किया गया। अब नरम दल और गरम दल दोनों क्या हुए, एक हो गए थे। इसके बाद दोस्तों 1914 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक को जेल से क्या हुए, रिहा हुए, जबकि मतलब कि 1908 ईस्वी में शायद गए थे, 6 साल जेल में रहे, 14 में रिहा हुए। उसके बाद 1916 ईस्वी में उन्होंने क्या किए, श्रीमती एनी बेसेंट के साथ मिल करके स्वशासन की प्राप्ति के लिए होम रूल आंदोलन चलाया, 1916 में चलाया, ठीक ना। 1916 में उधर लाल बाल पाल सब जो है नरम दल गरम दल के नेता एक मंच पर आया, और इधर बाल गंगाधर तिलक जेल से रिहा होने के बाद 1916 ईस्वी में होम रूल आंदोलन चलाया एनी बेसेंट के साथ मिल करके। 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को पूना में प्रथम होम रूल लीग की स्थापना की गई। दूसरा था सितंबर 1916 ईस्वी में श्रीमती एनी बेसेंट ने मद्रास में होम रूल की स्थापना कर दी। मतलब एक तरफ क्या, तिलक जी, एक तरफ जो है पूना में तिलक जी, और दूसरे तरफ मद्रास में एनी बेसेंट होम रूल लीग की स्थापना की। इसके साथ ही दोस्तों एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ पत्रिका और न्यू इंडिया समाचार पत्रों का प्रकाशन भी किया। बहुत बार दोस्तों पूछा जा चुका है, एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ पत्रिका तथा न्यू इंडिया समाचार पत्रों का प्रकाशन किया, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगा। इस तरह का वीडियो पाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से कमेंट करके बताइए, साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाइएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों अगर आपके लिए वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल होता है ना तो लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।